अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ पनीर चीज़ बॉल मंचूरियन रेसिपी। सुन के ही मुंह में पानी आ जाए। मंचूरियन तो वैसे भी सबकी मोस्ट फेवरेट होती है, तो चलिए इसे हम बनाएंगे थोड़े से यूनिक तरीके से। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ दिख रही है कि ये फिलिंग तैयार है। ये फिलिंग मेरी लेफ़्ट ओवर फिलिंग है। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही बनाई है, कटलेट की रेसिपी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो इसमें मैंने पनीर, चीज़, वेजिटेबल और कुछ मसाले ऐड किए हैं। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें, बस इसमें और कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथों से। तो यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद अब इसके हम बॉल बना लेंगे। बॉल की साइज़ थोड़ी मीडियम रखें, ज़्यादा छोटी भी नहीं करें ना ही ज़्यादा बड़ी करें। तो अच्छी तरह से इस तरह हमें ये बॉल तैयार कर लेने। तो ये लीजिए हमारा ये बॉल मंचूरियन बॉल तैयार है। इस तरह से सारे बॉल को हमें तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से प्रेस करके दबा दबा के बॉल को तैयार करें, ताकि जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो वो टूटे नहीं। तो इस तरह से सारे बॉल मैंने तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी। मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करनी है और इस बॉल को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर से ये बॉल जल जाएगी और अच्छी तरह से अंदर से फ्राई नहीं होगी, पकेगी नहीं। तो हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए। उस टाइम तक इसे हम फ्राई करेंगे और बार बार पलटते रहें चारों साइड से, अच्छे से ये फ्राई हो जाए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तब तक इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए जी, इसे ये फ्राई हो गई। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया इसमें। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और 10 से 12 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर लेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे। इसे एक बार चला लेंगे, गैस फ्लेम मीडियम रखें। अब यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ बेल पेपर, मैंने ली है ग्रीन, रेड, येलो और थोड़े से प्याज, जो भी आपके पास ये कैप्सिकम जो भी कलर का हो वो आप ले लें। मेरे पास ये सारे थे तो मैंने यहाँ पे ली है। इसे बस कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करें, क्योंकि सब्जियों का जो क्रंचीपन है वो चला जाएगा। तो बस कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हॉट सॉस यानी कि रेड चिली सॉस और 1 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे ऐड करेंगे टोमेटो केचप। अगर हॉट सॉस ना हो तो आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे वाइट विनेगर यानी कि सिरका ऐड करेंगे। डाल देंगे सारी चीज़ें और इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। अब मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज के पत्ते की वाइट वाली साइड और ग्रीन वाली भी यहाँ पे ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और 3 बड़े चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से इसे घोल लेंगे और फिर इस मिक्सचर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और गैस फ्लेम इस पॉइंट पे हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। इसे अच्छी तरह एक बार चला लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक सॉस में भी होती है इसीलिए ध्यान से ऐड करें। और 1/4 चम्मच यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, इसे भी मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसमें बॉल को ऐड करेंगे और गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और बॉल को अच्छी तरह ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे फ़ौरन से अभी सर्व कर सकते हैं या थोड़ी देर इसे ढक कर छोड़ दें, उसके बाद सर्व करें। इस तरह से बॉल सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट होने दी थी, उसके बाद यहाँ सर्व कर रही हूँ। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी पनीर चीज़ बॉल मंचूरियन बनकर तैयार है। बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में है। बहुत ज़बरदस्त सी ये चीज़ रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत पसंद आने वाली है। कुछ चीज़ों से आप झटपट घर पे ही बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।